तो दोस्तों जेन टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। ये पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला दिया गया है कंपनी की ओर से, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए कंपनी के नंबर को देख लेते हैं। उससे पहले बता दूँ आपको, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई। ज़्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं है, एक रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी 99 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 95 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 141 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 50% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 42% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो एक बड़ी शानदार जंप आपको देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। खर्चे की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 60 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 62 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 95 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे होने के बेस कंट्रोल में ही देखने को मिले। कंपनी के प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 30 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 23 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 37.5 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 55% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 25% के आसपास की तेजी आपको देखने को। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 3.67 रुपये के आसपास, पिछले साल 2.55 रुपये, अभी देखें तो 4.19 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर बहुत शानदार आपको देखने को मिले। हालांकि पिछले क्वार्टर में जब कंपनी के नंबर आए थे तब मैंने रिजल्ट कवर किया था, मैंने आपको बताया था कि नंबर बहुत शानदार थे और उस समय शेयर का प्राइस आपको 700 रुपये के आसपास था। अभी देखें तो शेयर आपको 1100 रुपये के आसपास पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को। तो यहाँ से देखें तो अभी भी कंपनी के नंबर बहुत शानदार आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं इस नंबर के बाद शेयर के अंदर कैसी तेजी आपको देखने को मिलती है। लेकिन एक अच्छा खासा गैप अप यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि शेयर के कंपनी के नंबर बहुत शानदार इस क्वार्टर में फिर से आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए।